हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी अजीब सी घटना घटी हो जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में, अंधेरों में, अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको नागपुर से रेणुका जी ने भेजी है, और अब आगे की घटना मैं आपको रेणुका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रेणुका है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मेरे साथ ये घटना 2 साल पहले घटी थी। दरअसल हमारे गांव में हमारा घर है। हमारे घर के बगल में हमारी ताई जी भी रहती हैं, और उनके घर के बगल में एक परिवार रहता है। वो मेरे दोस्तों का ही परिवार है। मैं बचपन से उनके यहाँ खेलने जाया करती थी। इस वक्त मेरी उम्र 30 साल की है। मैं अपने गाँव वाले घर गई हुई थी। गाँव वाले घर जब भी मैं जाती हूँ, मैं गांव के सारे लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि वो सब लोग मुझे बहुत मानते हैं और मुझे जानते भी बहुत अच्छे से हैं। मैं जब भी गांव जाती थी तो रुचि से ज़रूर मिलती थी। रुचि मेरी दोस्त है। वो मेरी ताई जी के बगल वाले घर में ही रहती है। रुचि के परिवार वाले भी मुझे बहुत मानते हैं। रुचि की दादी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मानती हैं। मैं जब भी जाती हूँ तो सबसे पहले दादी से ही मिलती हूँ। लेकिन जब मैं इस बार गई तो दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको बुखार आया हुआ था। उनका इलाज काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई थी। उनकी तबीयत अचानक से कैसे ख़राब हो गई, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। दादी अपनी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो कभी भी अपनी चीज़ें रुचि को नहीं छूने देती थी। हाँ, उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन वो अपनी चीज़ों का बंटवारा किसी के भी साथ नहीं करती थी। जिस दिन मैंने दादी को देखा, उस दिन उनका अंतिम दिन था। उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मैं उनके घर पहुंची, तो आखिरी सांसें चल रही थी उनकी। इस बात की मुझे खुशी थी कि मैं उनको आखिरी समय पर मिल पाई। हालांकि उनकी उम्र भी हो गई थी, तो इस उम्र में यह सब बीमारी लगना स्वाभाविक था। उसके बाद उनके परिवार वाले आए, और वे सब लोग धीरे धीरे आते रहे। उन्होंने अपने हाथ में कुछ चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और पैरों में बिछिया भी पहनी हुई थी, और छोटे मोटे चांदी के जेवर पहने हुए थे, जो एक एक करके मैं और रुचि उनके शरीर से उतारने लगे। मुझको और रुचि को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो हमारी दादी थी। हमने कभी भी उनको इस अवस्था में नहीं देखा था। आज हम उनके मृत्यु शरीर से उनके जेवर उतार रहे थे। हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। हमारे बड़े लोगों ने बोला कि हमें सारा काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम लोग दादी के शरीर को नहीं जला सकते हैं। लेकिन परिवार के बाकी लोगों को आने में और सारा काम खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। सूर्यास्त हो चुका था, और हिंदू धर्म के हिसाब से हम सूर्यास्त के बाद शरीर को नहीं जलाते हैं। तो पूरी रात के लिए दादी के शरीर को घर में ही रखना पड़ा था। दादी के शरीर से मैंने और रुचि ने ही जेवर उतारे थे। मैंने एक बैग टांगा हुआ था। उनके पैरों से बिछिया निकाल के और कानों से थोड़ी बहुत जेवर निकाल के मैंने रुचि को पकड़ाया। रुचि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो मैंने रुचि की मम्मी से बोला कि मैं इनका क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल के लिए तुम इसे अपने पास रख लो और हमें बाद में दे देना, या दादी की चीज़ों को दादी के साथ ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा। कुछ देर के लिए मैंने उस चीज़ को अपने बैग में रख लिया, और उसके बाद मैं उन्हें लौटाना भूल गई। दादी का मृत्यु शरीर उनके घर पर ही था। मैं सुबह से उन्हीं के आई थी। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ देर के लिए अपने घर पर बुला लिया था, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और मेरा भी रो रो के बहुत बुरा हाल था। आखिर दादी मुझे बहुत मानती थी। मुझे बुखार भी चढ़ गया था। मम्मी ने मुझे दवाई दी, और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं कुछ देर आराम कर लूँ। उस वक्त शाम के 8 बज रहे थे। हमारे गांव में लाइट थी, लेकिन उस वक्त आ नहीं रही थी। पावर कट हो गया था। मैं अपने कमरे में ही चुपचाप लेटी हुई थी। मेरे गांव वाले घर के कमरे में लाइट नहीं है। पूरे कमरे में अंधेरा था।
बुखार की वजह से मैं कांप रही थी। मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। सपने में कई बार तो मुझको दादी भी दिखाई दी। वो मुझसे हंस हंस के बातें कर रही थी। कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सोते वक्त कोई आके अचानक से मेरे ऊपर कूद जा रहा है या मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा गला दबा दिया। मुझको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। रात के करीबन 2 बजे मेरी आंखें अचानक से खुल गई। ऐसा लगा कि किसी ने मुझे चिल्ला के उठाया हो, लेकिन कोई भी नहीं था। मैं कमरे में अकेले लेटी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बहुत अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। मैंने तभी चिल्ला के मम्मी को बुलाया। मेरी आवाज़ सुन के मम्मी भागते हुए मेरे पास आई। उन्होंने मेरे माथे को छुआ और देखा कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है। मेरा पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। मैंने मम्मी से बताया कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है। अचानक से कोई आके मेरे ऊपर कूद जा रहा है। थोड़ी देर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ के खींचा या मेरे बेड के बगल में आके कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जिसकी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। मम्मी को लगा कि शायद मुझे किसी तरीके का कोई सदमा लग गया है या पहली बार मैं किसी मृत्यु शरीर के इतना पास गई हूँ। उसका डर मेरे अंदर बस गया है। मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मुझसे कहा कि तुम आराम से सो जाओ, वो मेरे बगल में ही लेटी रहेंगी। मम्मी मेरे बगल में लेट गई और उन्होंने मेरे तकिया के नीचे एक लोहे का बड़ा सा चाकू रख दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसे अजीब से सपने नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है और फिर मैं दोबारा आंखें बंद करके सो गई। मम्मी मेरे बगल में ही लेटी हुई थी। मुझे साफ साफ याद था कि उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। घर में एकदम शांति थी और दादी के घर से भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं बीच में कुछ देर के लिए उठी थी, लेकिन फिर मैं दोबारा सो गई। आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ के बहुत जोर से नीचे की तरफ खींचा हो। उस खिंचावट की वजह से मैं तुरंत उठ गई। मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मम्मी मेरे बगल में ही लेटी हुई हैं। मम्मी को मैंने उठाने की कोशिश की। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी उठो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मम्मी मेरी तरफ पीट करके सो रही थी। मैंने उनको बार बार उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। मैंने फिर उनको पकड़ के ज़ोर से हिलाया। मैंने कहा, मम्मी तुम इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो अचानक से मेरी तरफ घूमी और वो बहुत ही अजीब से बर्ताव कर रही थी। वो मेरी तरफ घूर के कुछ देर तक मुझे देखती रही और लगातार घूरे जा रही थी। मैं उनकी आंखों को ही देख रही थी। मैंने पहली बार मम्मी की आंखें ऐसे देखी थी। उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ देर और अपनी आंखें इस तरह खोली होती तो उनकी आंखें उनके चेहरे से निकल के बाहर आ जाती। उनको देख के मैं चिल्लाने लगी कि मम्मी तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। मैंने अपनी तकिया उनकी तरफ फेंकी और तकिया में रखा हुआ चाकू तुरंत बाहर आ गया। मैंने वो अपने हाथ में उठा लिया और बिस्तर से नीचे गिर गई। मैं इतना घबराई हुई थी। मैं चिल्लाते हुए घर के बाहर भाग के गई। घर के बाहर पापा और मेरा छोटा भाई अनुज भी था। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हुए वो लोग तुरंत घर के अंदर आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैंने उनको मम्मी की हालत दिखाई। जब वो लोग कमरे में गए तो मम्मी बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी और मम्मी को भी बहुत ज़ोर से बुखार चढ़ गया था। मैंने उन दोनों को वो सब चीज़ बताई जो कि मेरे साथ हुई। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। पापा और भाई उनको लगातार उठा रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी। वो जब सुबह उठी तो उनको कुछ याद भी नहीं था। अगली सुबह तक दादी की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए सब लोग ले गए थे। मैं और मम्मी घर ही पर थे। मैंने मम्मी को वो चीज़ बताई जो कुछ भी मेरे साथ घटी, लेकिन मम्मी को रात का कुछ भी याद नहीं था। वो मेरी बात पर विश्वास भी नहीं कर रही थी। दिन का थोड़ा बहुत काम ख़त्म हुआ और मैं रात में दोबारा सो रही थी। इस बार मैं मम्मी के साथ नहीं सोई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में अकेले सोई और मैंने अपने तकिया के नीचे वही लोहे का चाकू रख लिया। रात में फिर मुझे वैसे ही महसूस होने लगा। इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि कमरे के कोने में खड़ा होकर कोई मुझे बार बार आवाज़ दे रहा है। मेरी आंखें जैसे ही बंद हो रही थीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं आंखें खोल रही थी वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं सो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि रात के 3 बजे जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा लोहे का चाकू मेरे हाथ में था और वो मेरी छाती पर रखा हुआ था। ये देख के मैं एकदम चौंक गई। मैंने उस चाकू को तकिया से कब बाहर निकाला और उठा के अपने ऊपर कब रखा मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो चाकू एकदम मेरी गर्दन के नीचे था।
उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को मारने की कोशिश करने वाली थी। तभी मैं तुरंत पापा को आवाज़ देने लगी। जब वो अंदर आए तो उन्होंने मुझे देखा कि मेरे हाथ में चाकू है और मुझसे तुरंत पूछने लगे कि आखिर मैं ये चाकू लेकर क्या कर रही हूँ। मैं तभी तुरंत रोने लगी और अपनी परिस्थिति के बारे में अपने पापा को बताने लगी। मैंने पापा को हर एक चीज़ बताई जो कि मैंने कल से देखे अभी तक महसूस की और देखी। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये सब मेरे साथ कब से हो रहा है। मैंने उनको बताया कि मेरी हालत ये तब से है जब से मैं दादी के शरीर को साफ सुथरा करके आई हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम अपने साथ उनका कोई सामान भी लेकर आई थी क्या। तब मैंने उनको बताया कि उनकी थोड़ी चांदी के गहने मेरे बैग में पड़े हुए हैं जो कि मैं रुचि को बाद में देने वाली थी, लेकिन फिर मैं उसको देना भूल गई। जब पापा को मैंने ये बात बताई तो वो समझ गए कि हो ना हो दादी की आत्मा उनके गहनों की वजह से ही मुझे आके संकेत दे रही कि मैं उनके गहने वापस कर दूँ। फिर तुरंत पापा ने मुझसे बोला कि मैं तुरंत ये गहने जाके रुचि को देकर आऊँ। मैं तुरंत रुचि के घर पर गई और उसको घर के बाहर बुलाया। मैं उसके घर के अंदर नहीं गई। मैंने तुरंत रुचि को दादी के गहने निकाल कर दे दिए। रुचि ने मुझसे कहा कि ये सब तुम मुझे अभी क्यों दे रही हो, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। मैंने रुचि से कहा नहीं, ये ज़रूरी है। मैंने जैसे ही उसको वो गहने दिए वो उसको लेके अंदर चली गई और मैं अपने घर वापस आ गई। घर के अंदर जैसे ही मैं वापस आई कुछ देर बाद मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगी, सब कुछ एकदम नॉर्मल लगने लगा और फिर उस रात मैं आराम से खाना खा के सो गई। हालांकि उस रात भी मैंने अपने तकिए के नीचे चाकू रखा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ जैसा मुझे पिछले 2 रातों से हो रहा था। मैं समझ गई थी कि दादी की आत्मा अपने गहनों की वजह से ही मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। ये जो भी घटना मेरे साथ घटी एकदम सत्य थी और इस घटना के बाद से मैं रुचि के घर कभी नहीं गई। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको रहमान सिद्दीकी जी ने अलीगढ़ से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको रहमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रहमान है, मैं अलीगढ़ के पास ही एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। ये घटना 2009 की है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 14 साल की थी। ये घटना मेरे अब्बू के साथ घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। दरअसल हमारे गांव में उस वक्त कोई भी वॉशरूम वगैरह नहीं बना हुआ था। टॉयलेट जाने में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी। जेंट्स लोग तो जैसे तैसे अपना काम चला लेते थे, लेकिन लेडीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। 2009 में हमारे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको दवाई दी थी। उनको काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन हो रहे थे, उनको बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ रही थी। हमें हमारे घर से थोड़ा दूर खेतों के पास जाना पड़ता था। डॉक्टर ने बताया था कि अब्बू को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उन्होंने कोई ख़राब या एक्सपायर सामान खा लिया था जिसकी वजह से उनको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुझे आज भी वो रात याद है। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं अब्बू के साथ ही सो रहा था। अम्मी और छोटी बहन आशिमा वो लोग भीतर के कमरे में सो रहे थे। अब्बू ने मुझे रात में जगाया और उन्होंने बोला कि उनके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है और शायद उनको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़े। हमारा घर गांव के एकदम बीच में है, इसलिए मैंने अब्बू से तुरंत कहा कि ठीक है अब्बू आप चलिए। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए मैंने उनसे बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने अपने हाथ में एक टॉर्च और डंडा ले लिया। रात में अक्सर जंगली कुत्ते घूमा करते हैं। गांव से निकलते निकलते हम लोगों को करीबन 1 मिनट हो चुका था। पूरा गांव सो रहा था, बहुत सन्नाटा था। उस वक्त तो किसी कुत्ते की भी भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही थी, इतना सन्नाटा। रात के अंधेरे में हमें सिर्फ रात के कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही थी। हम अपने गांव से बाहर निकले और पास में ही एक बगीचा बना हुआ था, उसके पीछे ढेर सारे खेत थे। मैंने अब्बू से बोला कि आप वहीं पर जाके फ्रेश हो लीजिए, मैं यहीं पर खड़ा होकर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब्बू अपने साथ टॉर्च लेकर चले गए और मैं वहीं पेड़ के नीचे ही खड़ा था। वो जहाँ पर गए थे मुझे पेड़ के नीचे से वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं उनसे लगातार बात भी कर रहा था, उनको चक्कर भी आ रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि अब्बू आप ठीक है ना। वो हर बार मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे। ऐसे ही करीबन 5 मिनट बीत चुके थे। मैंने अब्बू से कुछ भी नहीं पूछा था। मैंने अब्बू से दोबारा पूछा कि अब्बू आप ठीक है ना। इस बार अब्बू की कोई भी आवाज़ नहीं आई, हालांकि मुझे अंधेरे में वो साफ साफ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे।
वो मुझसे करीबन 10 मीटर की दूरी पर ही बैठे हुए थे। रात में अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था और वो खेत के पीछे बैठे हुए थे, इसलिए मुझे उनकी सिर्फ परछाई दिखाई दे रही थी। मैंने अब्बू से दोबारा पूछा कि अब्बू आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठे हुए थे। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी। मैंने उनको वहीं पर ही खड़े होकर 3-4 बार और आवाज़ दी। कुछ देर तक जब उनका कोई भी जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं अब उनके पास जाऊं। जब मैंने उनकी तरफ बढ़ने के लिए एक कदम उठाया तो मैंने देखा कि उनके पीछे एक बड़ी सी परछाई खड़ी है जो अब्बू को ही देख रही है। मैं उस परछाई को देख रहा था, वो अब्बू से करीबन 1 मीटर की दूरी पर ही खड़ी थी। मैं दूर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। मैंने कहा, अब्बू पीछे देखिए, आपके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन अब्बू अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले, वो वहीं पर ही चुपचाप बैठे हुए थे। मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। वो कौन था मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अंधेरे में वो धीरे धीरे अब्बू की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब्बू अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। डर की वजह से मेरे पैर एकदम जम गए थे। मैं एकदम चुपचाप शांत होकर वहीं पर ही खड़ा था। वो काली परछाई धीरे धीरे अब्बू के पास गई और उनके सामने जाके खड़ी हो गई। मुझे लग रहा था कि वो अब्बू को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने अपने हाथों में लाठी पकड़ी हुई थी। मैंने वो लाठी खींच के उस काली परछाई की तरफ फेंकी। मुझे उस लाठी को फेंकते हुए अब्बू ने देख लिया और तभी वो चिल्लाने लगे, रहमान मत फेंको, रहमान मत फेंको। जब तक उन्होंने ये बात बोली तब तक मैं लाठी उस परछाई की तरफ फेंक चुका था। मेरे लाठी फेंकते ही वो परछाई वहां से गायब हो गई। मैं तुरंत भाग के अब्बू के पास गया। मैंने अब्बू से बोला कि जब मैं आपको आवाज़ दे रहा था तो आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। अब्बू मेरे ऊपर गुस्से से चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे बोला कि तुमको इतनी तमीज़ नहीं है, अगर मैं वहां पर शांत चुपचाप बैठा हूं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ना। मैं शांत हो गया। मैं फिर अब्बू की तरफ देखने लगा। अब्बू काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था, उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो क्या चीज़ थी और आप बोल क्यों नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं समझ गया था कि वो कोई काली आत्मा है जो किसी खेत में ही रहती है या फिर शायद रात में कहीं भटक रही होगी। मैं उस आत्मा के रास्ते में आ गया। मैंने उसे बहुत पहले ही देख लिया था लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा हुआ था। अगर मैं उससे डर जाता या उसके रास्ते में आ जाता या कोई भी ऐसी हरकत करता जिससे उसको ये आभास हो कि मैं उससे डर गया हूँ तो वो मेरे पीछे आ जाती या मेरे पर हावी हो जाती, इसलिए मैं शांति से चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन अब मैंने बोल दिया था, वो जान चुकी थी कि मैं उसको देख चुका हूँ। तुम्हारी लाठी मारने से पहले ही मैंने चिल्ला दिया और मेरे चिल्लाते ही वो गायब हो गई। इसका मतलब यह है कि वो ज़रूर मेरे ऊपर हावी होगी या यहाँ से घर जाते वक्त वो मेरे पीछे पीछे ज़रूर आएगी। जब अप्पू ने ये बात बताई तो मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अगर मैंने अपनी आंखों से उस आत्मा को ना देखा होता तो शायद मैं उनकी बात पर विश्वास ना करता। लेकिन ये सब कुछ एकदम सत्य था। ये सब बोलते हुए वो बहुत जोर जोर से खांस रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पेट में और जोर से दर्द होने लगा। मैं उनसे घर चलने के लिए बोल रहा था लेकिन वो घर नहीं जाना चाह रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनको वहीं से ही वैद जी के यहाँ लेकर चलूँ, और उसके बाद पास में ही एक बाबा रहते थे जो कि आत्मा और भूत भगाने का काम करते थे, मैं उनके पास उनको लेकर चलूँ। वो बार बार यही रट लगा रहे थे, लेकिन अभी मुझे उनको वैद जी के पास ले जाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। मैं उनको ले कर अपने गाँव दोबारा आया। जब मैं उनको गाँव ला रहा था तो पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा था और मैं भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो काली परछाई मुझे हर वक्त पीछे ही दिखाई दे रही थी। मैं जितनी बार आगे जाके पीछे घूम के देख रहा था वो हमसे हर 5 मीटर पे ही खड़ी थी, इससे मुझे ये तो पता चल गया था कि वो हमारा पीछा कर रही है। अब्बू बार बार बोल रहे थे कि मैं पीछे की तरफ ना देखूं और चुपचाप आगे चलूं। मैं धीरे धीरे चलते हुए गाँव के मुखाने पर पहुँच गया जहाँ से हमारा गाँव शुरू होता था। गाँव के शुरुआत में ही वैद्य जी थे। मैंने अब्बू को वैद्य जी के घर के चबूतरे पर ही बैठा दिया और उनके दरवाजे को पीटने लगा। कुछ देर बाद वैद्य जी भी अपने घर से निकल के बाहर आए। मैंने उनको बताया कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उन्होंने तुरंत अब्बू को देखा, बुखार उनके बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अब्बू को दवाई दी और फिर मुझसे बोला कि मैं उनको घर लेकर चला जाऊँ।
मैंने वैद्य जी को खेत में घटी हुई कोई भी बात नहीं बताई। उनके दवाई देने के बाद अब्बू ने मुझसे तुरंत बोला कि मैं उनको उन्हीं बाबा के पास ले चलूं जो तंत्र विद्या और भूत प्रेत भगाओ विधि का काम करते थे। वो उनका घर हमारे गांव के एकदम कोने में था। मैं गांव के बीच से अब्बू को लेकर नहीं गया, मैं पूरा गांव घूम के बाहर की तरफ से गया ताकि वो आत्मा हमारे घर को ना देख ले। जब मैं उन बाबा के घर पर पहुंचा तो उनके घर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, शायद वो कोई तांत्रिक सिद्धि कर रहे थे। वो अपनी सारी तांत्रिक सिद्धि कोई हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे थे क्योंकि उसमें यज्ञ वगैरह भी हो रहा था। मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मैंने फिर अब्बू से बोला कि अब्बू अब मैं क्या करूँ। अब्बू का शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था। मैंने बाबा के घर के दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद बाबा घर से निकलकर बाहर आए। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखा। वो बाबा अब्बू को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने जैसे ही अब्बू को देखा वो उनसे पूछने लगे कि असलम तुमको क्या हो गया है। मेरे अब्बू का नाम असलम था। अब्बू से उन्होंने बार बार पूछने की कोशिश की लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग को कोई अपने हिसाब से ही चला रहा है। फिर बाबा ने मुझसे पूछा और जो कुछ भी घटा, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, मैंने सब कुछ उनको बताया। मैंने उनको ये भी बताया कि वो काली परछाई हमारा पीछा कर रही थी। पता नहीं कैसे लेकिन उनको पता चल गया कि वो परछाई अब्बू के पास ही है। अब्बू अचानक से ही कुछ बड़बड़ा रहे थे। मुझको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। वो बहुत धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ को कोई दबा रहा था। उन बाबा ने मुझसे दूर हटने के लिए बोला और मैं अब्बू से काफ़ी ज़्यादा दूर हट गया। वो अंदर से कोई चीज़ लाए और फिर उन्होंने अब्बू के सर पर रख दिया। सर पर रखते ही अब्बू जोर से चिल्लाने लगे और चिल्लाते ही वो एकदम शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उनको चुपचाप घर लेकर चला जाऊं और एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखूं और कहीं भी ना रुकूं। और अगर रास्ते में कोई भी आवाज़ आए या कोई भी पीछे बुला रहा है ऐसा महसूस हो तो बिल्कुल भी मत घूमना। घर में जाने के बाद घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना और कुछ भी ऐसा महसूस हो कि घर के दरवाजे को कोई खटखटा रहा हो कल सुबह तक इसको बिल्कुल भी मत खोलना। मैं उनकी बात मान के तुरंत घर चला गया। जब मैं अब्बू को लेकर घर जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पीछे कोई चल रहा है। किसी के ज़ोर ज़ोर से कदम पटकने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई सांस ले रहा हो। बहुत ही अजीब सा डर लग रहा था। पीछे से आवाज़ भी आ रही थी कि कोई मुझे बुला रहा है। अब्बू कोशिश कर रहे थे कि वो पीछे घूम कर देखे लेकिन मैंने उनके सर को हाथ से पकड़ा हुआ था और उनसे बार बार बोल रहा था कि आगे की तरफ देखो। पहली बार मेरे ही गांव में मुझे मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था। मैं चला जा रहा था लेकिन मेरा घर नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मैं तुरंत घर पर पहुंचा। घर का दरवाज़ा बंद था। घर के दरवाजे को खटखटाते ही अम्मी तुरंत बाहर आईं। मैंने तुरंत अब्बू को घर के अंदर किया और दरवाजे को बंद कर लिया। अम्मी मुझसे पूछने लगी कि मुझको आने में इतनी देर कैसे हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने उनको सारी बात बताई जो भी हमारे साथ घटी। अम्मी भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने फिर अब्बू को लिटा दिया और उनको दवाई दे के सुला दिया। मैं और अम्मी पूरी रात नहीं सोए। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे घर के बाहर कोई चक्कर लगा रहा है लेकिन दरवाजे को किसी ने भी नहीं खटखटाया। मैं पूरी रात जगता रहा। अम्मी भी पूरी रात जगती रही। सुबह हो गई थी। अब्बू थोड़ा बहुत ठीक महसूस कर रहे थे। कुछ दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकले। करीबन एक हफ्ते बाद उनकी हालत में सुधार आया और फिर वो गांव में उन्हीं बाबा से मिलने गए जिन्होंने रात में उनके ऊपर से भूत उतारा था। बाबा ने बताया कि वो कोई आत्मा थी जो उनके शरीर पर कब्जा करना चाह रही थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वक्त रहते उन्होंने उस आत्मा को भगा दिया। अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो तुम तुरंत मेरे पास आ जाना। ये सारी बात बाबा ने अब्बू को बताई और उन्होंने मुझे बताई। उस समय अब्बू की और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, वरना पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। उस दिन के बाद से ऐसी कोई भी घटना मेरे या अब्बू के साथ नहीं घटी। आज 2023 है, हालांकि अब्बू अब हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि 2020 में अब्बू का इंतकाल हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी घटना फिर किसी के भी साथ ना घटे।
तो दोस्तों ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ और आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।